बोझदार हिंद साइड हलूं ओ जगह व्यू परिया हां ये दो परिया जल दब All right, ladies and gentlemen, boys and girls, this is Bhatti Expert. खैर आज लेबर डे है तो मैं आपको कुछ एक्साइटेड चीजें दिखाता हूँ. ये थे लेबर, कुछ काम कर रहे थे, आपने देखे ना. हाँ भाई, क्या मूड है भाई? मूड तो अच्छा है. अपना टाइम आएगा नहीं आएगा? आएगा. कुछ हमारे बंदे, हम आपको उनसे मिलवाते हैं. आ जाओ. सलीम साहब भाई, क्या हाल है? खैरियत से? खुश हो ना? ये मेरा दोस्त है फोटो, ये छोटा लड़का है हमारे गांव का. एक छोटा सा सवाल है, लेबर डे है आज, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मजदूरों का दिन है आज भाई. हम ये कहना चाहते हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, इमरान खान ने तो गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया है. सही. पेट्रोल सारी चीज बढ़ गई है मगर गरीब लोग की तनख्वाह नहीं बढ़ी है, मजदूर लोग की. वाह वाह, पॉइंट. तो इससे मैं ये गुजारिश करना चाहते हूँ, जो हमारे बड़े बड़े हुक्मरान बैठे हैं ऊपर, उससे ये अपील है तो मजदूर की दिहाड़ी बढ़ाए और तनख्वाह बढ़ाए. ओके यार, हमें एक लोकेशन ढूंढनी है, उसमें हमें क्या करना है आपको पता है? शूट करनी है, क्योंकि भाई ने नई शर्ट ली है, भट्टी एक्सपर्ट. ये खैर, इसकी शूट करनी है और बाकायदा हमें अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट लगानी है. ठीक है, तो काइंड ऑफ थोड़ा लोकेशन का सीन चल रहा है. लोकेशन भाई से पूछते हैं. भाई कोई आइडिया है लोकेशन का? कोई आइडिया नहीं है. कोई क्या कह रहे हो लड़के, कोई आइडिया ही नहीं, खाली ऐसे ये टोपी और ये शर्ट लेके फोटोग्राफी. चलो आज मैं लोकेशन बताता हूँ. चल भाई, चश्मा भी है. चश्मा कहाँ है? ये रहा. अबे ये देखा फिर मैं अजायो, मैं खुआरी कर रहा हूँ. यो यो तो फुल लगूं. यो यो वाह वाह, ओल्डी साहब कुल्फी के मजे ले रहे हैं. वाह 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 वाह, खोपरो में आने मामा ले. खोपरो भी आने? हाँ, ये धड़ना छटीदा. चल दब मच्छरदा काइन. यार लोकेशन का मैं सोच रहा था पर लोकेशन मुझे तो अभी समझ में नहीं आई. बाकी मैं मेरे दिमाग में एक फटाक से आइडिया आया कि रानी बाग की हम लोकेशन रखते हैं और रानी बाग में कुछ सीनरीज अच्छी हैं. ठीक है, तो काइंड ऑफ आपको पता है व्लॉग करते हुए पैदल मज़ा आता है. हाँ भाई, तुम क्या सोच रहे हो? भाई गर्मी बहुत. ये क्या कर रहे हो भाई? शर्ट बट टोबू हो गए. हो गया टोबू? टोबू क्या है, टोबू क्या है? तो गाइस हमारे पास भट्टी एक्सपर्ट एक्सपर्ट और हम जा रहे हैं रानी बाग. रानी बाग मतलब फोटोग्राफी का सीन है फुल ऑन कमलेश. उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा हम अपडेट करते रहेंगे. भाई ये मेरा छोटा भाई है, बोला है ब्लॉग कर रहा. मैंने कहा भाई चल कर, ट्राई करने में क्या है भाई, अच्छा लगे ठीक हो, नहीं तो एडिट में निकाल देंगे. हमारी मंजिल पीछे है भाई. अरे अमीन वाला इतने बिटांगा. अरे सरदार छाला, खुश खुश. अमीन भाई टिकटॉक का म्यूजर, माशाल्लाह ठीक खुश हुआ. अरे सरदार छाला, तू भी तो यहाँ देख, और कितने पाए यार? सब बिठा दी डाडो, दोहारी दोहारी या फुटर लिखी लिखी वीडियो पाठाई यार. ये टोपी मुझे डिठल थी लगे. ना ना उन जी जवाबदारी कौन है? जवाबदारी कौन है या बी थोड़ा डिसू हाल लगे था जवाबदारी जवाबदारी टोपी. हम अपनी मंजिल पे आ चुके हैं. ठीक है, पीछे ईदगाह की लोकेशन अच्छी है इधर, और मतलब आज की जो लोकेशन हमने सेट की है वो ये की है. बाकी आप इंस्टाग्राम पे हमारे फोटो देखना कि लोकेशन एडिट, बाकी सारे सिस्टम कैसे है. यार इधर हमने फोटोग्राफी की है, कैमरा की बैटरी बहुत कम है. ठीक है, तो व्लॉग कम करेंगे, फ़ोटो ज़्यादा निकालेंगे. बाकी ये है, हम इधर से जम मारे के अंदर जाएंगे. ठीक है, तो 20-40 रुपये की हमारी होगी बचत. पॉइंट टू बी Not it.
भट्टी एक्सपर्ट देखो भाई ये अंदर गया। चोर 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 नवी चोर। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ईद का आना हो तो वैसे आप आ सकते हैं, 40 रुपये हमने बचाए हैं। वैसे अगर हमारी पूरी फुटबॉल की टीम होती है तो लगभग हमारे 200-300 रुपये में भी और भी ज़्यादा 500 से थोड़ा बहुत कम बच जाते हैं। लेकिन ये सीक्रेट है आपके लिए, किसको बताना मत कि हम बड़ी एक्सपर्ट इधर से गुजरता है, बेइज्जती होगी भाई। खैर यार, हमारी बैटरी हो गई है डाउन तो हम जा रहे हैं घर, ठीक है। और इतना टाइम नहीं है कि हम फिर से रात को मतलब टाइम को कवर करें, तो इस वजह से हम जा रहे हैं अभी। और 5-10 मिनट हमने फ़ोटोग्राफी की और उसके बाद क्या होगा आप देखिएगा। हम घर जाएंगे, कैमरा को चार्ज रखेंगे, कैमरा के चार्ज रखने के बाद व्लॉग स्टार्ट करेंगे। क्या सीन है भाई, सेट है कमलेट? ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हम वापस आ गए हैं, पर ये लेबर डे के आगे वाला डे है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने भाई से, सनाउल्ला बोजदार से। अस्सलाम वालेकुम, मिस भाटी है। सनाउल्ला भाई क्या हाल है, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह फुल मजे में। सनाउल्ला भाई हमारे यहाँ आए, ठीक है, तो आज हम इनको घुमाते हैं अलमंजर। तो हम गाड़ी में बैठे हुए और जा रहे हैं अलमंजर की। बाकी ये आप मजा लाख हो, हमारे दोस्त हैं, ठीक है, चलते हैं हमारी स्ट्रेटजी ऐप से स्टार्ट। सनाउल्ला का दोस्त है उधर, हम आए, खैर चाय वाय का सीन करते हैं फिर हम चलते हैं वापस। नहीं बोला कि चाय नहीं पियेंगे। ये खुद दूसरों की पीता है, पिलाता नहीं है किसी को। हाँ तो यार हम पहुंच गए जाम शोरों की। वाह भाई वाह भाई वाह, चेक करे बस। हाँ बोजार भाई, भाई पहुंच गए हम, मजे ले रहे हैं आप। ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है कि मैं बस बता नहीं सकता कितना मजा आ रहा है। चल आजा नीचे चलते हैं। हाँ तो यार इधर हम आए और कल का सीन ये था कि लेबर डे था और मैं कल बहुत थक गया था, कुछ कामों में बिजी था, तो इस वजह से सोचा कि आज कल मेहमान भी आएगा। बोजदार साहब यूट्यूबर है हमारे बड़े और इनके तकरीबन 18,000 से प्लस सब्सक्राइबर है। खैर सिंधी में इनकी स्टेटस वगैरह ये सारा सीन होता रहता है, बाकी आपको ये खुद बताएँगे। आज हम इनको थोड़ा हैदराबाद का जाम शोरे का व्यू चेक करवाते, बाकी पता चले कि इधर ये आए हैं। टाइम इनके पास बहुत कम है, बोजदार साहब टाइम जो है मेरे पास अभी सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं, जो 20 मिनट में हम ये पूरा विजिट करेंगे और यहाँ से फिर कल्टी मारेंगे आगे की तरफ। ये बात है, ये सीढ़ियाँ ठीक है, इनसे मतलब हमें नीचे उतरना है, टू मच रिस्की भाई। मेरा ख्याल है यहाँ से उतरने से अच्छा है वहाँ से स्लिप होकर नहीं। यहाँ से अबे वाह वाह, पर ये टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा और रिस्की भी है, अगर बंदा गिर जाए ना। अबे भाई वाह वाह वाह, बुजर तू इतना स्लिप थी माचा दो। वाकई में उतना स्लिप थी तो हले वाने और इस ब्याह थे आई ने फिर आई ने। हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है। यार पानी बहुत इधर का कम हो चुका है पहले से, ठीक है, पहले मतलब फुल हुआ करता था, अभी मतलब कुछ ही हद तक पानी है। खैर कश्ती की बोजदार सवारी करेंगे नहीं, क्योंकि भाई कश्ती की सवारी करोगे या बोजदार साहब? नहीं करो करो यार सवारी करो यार, असल में मुझे बहुत ना चक्कर आते हैं कश्ती में, सो मैं नहीं बैठने वाला। अच्छा वाह भाई वाह, नहीं तो मेरा तो फुल मूड था कि आप। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कश्ती में बैठने का, क्योंकि मुझे हमेशा चक्कर आते हैं और मैं पानी में गिर जाऊंगा, इससे बेहतर है कि मैं यहीं पे सही।
कितना मजे का व्यू है माशाल्लाह। यकीन करो ड्रोन होता ना ऐसे उड़ाते शू, पर खैर इंशाल्लाह वन डे हमारा उड़ता हुआ कबूतर भी मिल जाएगा। वे सनावला बोजदार सुन, हमारा उड़ता हुआ कबूतर कब आएगा? ये कल परसों आ जाएगा। कल परसों? ये कल परसों कब है? ये कभी नहीं आनी। अबे ऐसे नहीं बोल यार, उड़ता हुआ कभी नहीं आना। अच्छा, उड़ता हुआ कबूतर आज रात आ जाएगा। आज रात इसको पकड़ना हो अपने घरों की छतों पर आ जाइयो, दाना पानी डाल दियो, जिसकी छत पे दाना पानी ज्यादा होगा वहीं पे वो आके गिरेगा। बोजदार इनसाइड हलूं ओ जगह व्यू परिया। हां इदो परिया जल दब। ठीक है यार, हम जा रहे हैं वापस। कॉल आ गई सनावला बोजदार की उनकी फैमिली से, तो हम जा रहे हैं, थोड़ा बहुत विजिट किया, मज़ा आया, और मज़े के बाद हम जाएंगे वापस घर, तफरिया ब्लॉग एडिट करेंगे, ब्लॉग पोस्ट करेंगे, सनावला बोजदार को मेंशन करेंगे, और भाई आप सब लोग देख लेना ठीक है। अक पोड़ास जियो कामलेश, ठीक है ना? ठीक है ठीक है यार। बोजदार साहब चल रहे हैं ठीक है, तो सैया साहब गली गड़े। थैंक यू सो मच भट्टी एक्सपर्ट का, बहुत शुक्रिया, और उनके साथ जो हैं मजहर साहब उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं अब जा रहा हूँ वापस, सो दुआ में दुआ में। थैंक यू ओके, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।